नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल सपोर्ट विशाल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एक स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि आजकल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप गूगल पर डालोगे बॉम्बे ऑक्सीजन कंपनी, तो दोस्तों आपको काफ़ी सारी न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। इस स्टॉक के बारे में मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, वही आपको जो है बताता हूँ। तो गाइस, अभी रिसेंटली आप जानते हो कोविड-19 की वजह से ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ चुकी है, और ऑक्सीजन लोग दोस्तों जो है ऑक्सीजन कंपनी में सबसे ज़्यादा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों एक बात निकल कर सामने आती है बॉम्बे ऑक्सीजन स्टॉक कंपनी की, जिसमें दोस्तों आप प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। आप जैसे गूगल पर सर्च करोगे बॉम्बे ऑक्सीजन कंपनी, तो आपके सामने काफ़ी सारी न्यूज़ वहां पर देखने को मिल जाएगी बॉम्बे ऑक्सीजन कंपनी से रिलेटेड। उसमें दोस्तों काफ़ी मतलब उस कंपनी का कोई भी ताल्लुक नहीं था ऑक्सीजन वगैरह वो कुछ नहीं बनाती थी, बट उसका नाम था दोस्तों बॉम्बे ऑक्सीजन कंपनी। तो लोगों ने वो नाम देख कर वहां पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, इतना ज़्यादा उसमें दोस्तों जो है पैसा लगाने लग गए लोग। उसका जो शेयर मार्केट था वो दोस्तों 148% बढ़ गया था, यानी कि दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे अभी अगर उसके रेट की मैं बात करूँ तो 150% से भी ज़्यादा की दोस्तों जो है उसमें स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो है इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर दिया, और उसका जो ग्रोथ रेट था वो 150% ज़्यादा बढ़ गया था। यानी कि दोस्तों एक अगर उसमें शेयर की मैं बात करूँ तो दोस्तों 52 हफ्ता में करीब 25,000 से भी ज़्यादा का जो स्टॉक मार्केट का वैल्यू था वो उसमें जो है बढ़ चुका था। और फर्स्ट टाइम की अगर मैं बात करूं, जब कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी उस टाइम दोस्तों इसका शेयर था 10,000 रुपये, और अभी अगर इसका शेयर आप खरीदोगे तो 25,000 का इसका शेयर है। तो लोगों ने इतना भर भर के इसमें स्टॉक लगा दिया कि मतलब पूछो मत। उसके बाद जब लोगों को पता लगा कि यार ये तो ऑक्सीजन बनाती नहीं है कंपनी, तो लोगों ने वापस इसके जो शेयर मार्केट में इसमें इन्वेस्ट किया था उस शेयर को दोस्तों उस स्टॉक को ये बेचने लग गए वापस, ताकि जो भी स्टॉक था वो दोस्तों बेचने के साथ फिर से वापस जो इसका बॉम्बे ऑक्सीजन कंपनी का ग्राफ था वो वापस डाउन आ चुका है। तो यही दोस्तों आजकल सच्चाई है कि इस तरीके से लोग मतलब अंधाधुंध यार इतना पैसा स्टॉक कर रहे हैं, इतना स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ मैं आपको एक प्रूफ के साथ बताता हूँ, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो यहाँ से मैं चल जाता हूँ बॉम्बे ऑक्सीजन कंपनी, आपको साइड में वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ, अपने जो मोबाइल की वीडियो है उसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो को तो लास्ट तक देखना यार, आपके काम की बात होने वाली है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके काम की बात होने वाली है। तो गाइस अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 1167 रुपये का इसमें जो है माइनस स्टॉक जा चुका है, यानी कि दोस्तों 5% की गिरावट इसके स्टॉक में आई है। और वन डे की बात करूँ, एक दिन में दोस्तों कितने लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया था, अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर मैंने, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो वन वीक का हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं ग्राफ। तो वन वीक का दोस्तों आप ग्राफ देख सकते हो, ये पहले जो इनमें इसमें कोई भी लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया था, उसके बाद दोस्तों जो ये लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो करीब 16 तारीख को, यानी कि 16 अप्रैल को दोस्तों 23,400 का इसका स्टॉक चल गया था। उसके बाद दोस्तों 16 के बाद हम बात करते हैं 19 की, तो 19 में दोस्तों जो 1,000 रुपये बढ़ी है, यानी कि दोस्तों 24,500 का इसमें लोगों ने स्टॉक इन्वेस्ट कर दिया। उसके आगे दोस्तों हम बात करते हैं 20 तारीख की, तो 20 तारीख को आप देख सकते हो दोस्तों 25,000 तक का इसमें दोस्तों लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद जैसे लोगों को इसमें पता लगा कि यार ये कंपनी तो सिलेंडर बनाती नहीं है, ये कंपनी तो ऑक्सीजन बनाती नहीं है, उसके बाद लोग जो है अपना जो भी स्टॉक उनने खरीदा था वो सेल करने लगी, और सेल करने के बाद इसका ग्राफ आप देख सकते हो वापस जो है डाउन चल गया है। तो अभी यहाँ पर 22,178.85 का इसमें स्टॉक जो है रह चुका है। शुरू में अगर मैं इसके वन मंथ की बात करूं तो आपको इसका ग्राफ यहां पर देखने को मिल जाएगा, तो पहले इसमें कोई भी लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे बट जैसे कोविड-19 में ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी आने लगी तो इसमें लोग ने जो इन्वेस्ट करना ज़्यादा कर दिया। तो इसी तरीके से लोग काफ़ी सारा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दोस्तों नेशनल ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप स्टॉक जो है यहाँ पर बाय कर सकते हो। स्टॉक बाय करने की नॉलेज दोस्तों ज़्यादा मुझे नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको जो है समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों स्टॉक बाय करने से पहले उसकी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेनी है कि कितना परसेंट का चार्ज इसमें लगेगा, कितना परसेंट का चार्ज कटेगा। तो आने वाले टाइम पर यार दोस्तों आप सभी जानते हो कि ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड डेली के डेली बढ़ रही है, डेली के डेली दोस्तों जो है ग्रोथ हो रही है। तो इस
टाइम पर आप अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है या फिर ऑनलाइन दोस्तों जो बाय करते हो स्टॉक, अगर वो खरीद लेते हो तो आने वाले टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मुनाफा होने वाला है। तो यहाँ पर वन वीक का हम ग्रोथ बात कर रहे हैं, वन मंथ का हम दोस्तों ग्रोथ बात करते हैं, तो यहाँ पर नेशनल ऑक्सीजन कंपनी की तरफ से आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर दोस्तों 24/3/2021 यानी कि 24 मार्च को 32 रुपये इसका स्टॉक रेट था। उसके बाद हम बात करते हैं 26/3/2021 को, यानी कि 26 मार्च को 33 रुपये हो गया। फिर उसके बाद हम 30 मार्च की बात करते हैं तो 30 मार्च को 35 रुपये हो गया, और अब दोस्तों अब 5 अप्रैल को हो गया था 41 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं 15 अप्रैल की, तो 15 अप्रैल को 57.90 रुपये इसका स्टॉक बढ़ गया था। और अभी दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों 61.95 रुपये इसका स्टॉक जो है बढ़ चुका है, और डेली के डेली दोस्तों ये बढ़ेगा। आपका इसको जो ग्राफ रहता है, इसका दूसरा ग्राफ मैं आपको जो है बता देता हूँ, इसका वन मंथ का ग्राफ दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़ा है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है ग्राफ, आप देख सकते हो बिल्कुल ऊपर बढ़े जा रहा है। तो स्टॉक किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, यहाँ से आप जैसे बाय करोगे, बाय करने के बाद दोस्तों आपको नीचे जो है आधार कार्ड वगैरह सब कुछ, यहाँ पर KYC वगैरह कंप्लीट कर लेनी है। KYC वगैरह कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल केयरफुली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं ये बात इसलिए बता रहा था क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा दोस्तों लोग ऑक्सीजन जो स्टॉक है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन स्टॉक के अंदर स्टॉक बाय करने लग गए हैं, और बाय करने के साथ साथ ऐसे ही बॉम्बे कंपनी का भी यही लफड़ा रहा। आजकल काफ़ी सारी न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगी बॉम्बे स्टॉक मार्केट की। तो यही था दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक मार्केट ने अपना जो नाम था वो बॉम्बे ऑक्सीजन मार्केट रखा हुआ था, प्राइवेट लिमिटेड रखा हुआ था, बट उसका कोई भी काम ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं था, फिर भी लोगों ने इतना ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर दिया कि उसका जो ग्राफ था वो एक ही दिन में यार लाखों में चला गया। अब आप सोच सकते हो अगर COVID-19 के टाइम आने वाले टाइम पर अगर आप स्टॉक बाय करके रखते हो तो कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज़।